नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आपसे भाइयों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज आपको दिखाएंगे अपने घर पे जो पशुधन है उनकी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने, और जो भी अपने पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन का बटन भी दबा लें भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और हमने छोटे से मिनी डेयरी फार्म की जो स्टार्ट की है, इसमें हम कैसे क्या मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में आपको इस चैनल पे बताएंगे। और साथ के साथ जो है और पशुपालक हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पशुपालन के प्रति, तो उनकी वीडियो लेकर के आते हैं भी, ताकि हम उनसे मिलें, उनसे जानकारी लेकर के अपने फार्म पर कोई कमी है तो उसको पूरा करें भाई, अच्छा पशुधन हम भी उनके जैसा तैयार करें। लेकिन हम उनसे मोबाइल फ़ोन पे या वीडियो में इतना जानकारी नहीं ले सकते जितने हम उनके पास जा कर के ले सकते हैं। तो इसलिए मैं उनके पास भी जाता हूँ और आप सब भाइयों के लिए वीडियो भी लेकर के आते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। तो ये है भी हमारी सरस्वती भैंस, इस भैंस से जो है ये हमने बच्चे ले रखे हैं, और एक भैंस हमने झोटी तैयार करके बेच भी दी है और कटड़े भी दिए इन्होंने। तो ये अपनी जो सरस्वती भैंस नाम रखे हमने इसका, 16 लीटर जो है इसने दूध दिया अपने पीक पे। और अब जो है ये 7 बार जो ब्याज की है और 8वीं बार के लिए गया बने है भाई। ये 2-3 बार शुरू में जो है हर साल वैसे ब्याती है, वैसे आज की बार जो है इसने हर महीने वाले दिन डिस्चार्ज दे दिया गया बिड़ने के बाद में, अपनी सड़ गई माले बोलते हैं देसी भाषा में, रिपीट हो गई। तो ये देखें काफ़ी अच्छी जो पशुधन अपने फार्म पे, अभी ये गर्मी का टाइम है और भी थोड़ी देर धूप में रहते हैं ज़्यादा इस वजह, इसलिए इनके जो बाल है अपने आप नीचे गिर रहे हैं भी, काफ़ी अच्छी और चिकनाई इसके शरीर पे आई हुई है। और ये भी सींगों में थोड़ा खुला सींग है, राउंड नहीं है बिल्कुल कन्नी वाला, और बच्चे जो काफ़ी अच्छे देती है भैंस बुलों के ऊपर। और अडर क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छे मुट्ठी के कार के अलग अलग जो इसके तने हैं। काफ़ी अच्छी पीठ की चौड़ाई भी है, तो दूध वाले भैंस के करेक्टर होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है। और उसके बाद में जो इसने पहले बांध में कटड़े को जन्म दिया था, उसके बाद में इसने इस झोटी को जन्म दिया, इसका नाम हमने लक्ष्मी रखा है। इसका दूध भी जो है 14 लीटर रहा है, और इसने भी फर्स्ट टाइम में कटड़े को जन्म दिया था MX 150 का, वो हमने थोड़ा तैयार भी किया लेकिन कटड़े वाले को ही दिया भी थोड़ा ठीक तैयार है। जो उसकी घुटने थे पीछे वाले वो चलते टाइम जब पैरों में जैसे बड़ था उसके बिड़ रहे थे आपस में, वैसे ग्रोथ उसकी अच्छी थी। ये भी अभी ड्राई होने वाली है, 8 महीने की जो है प्रेग्नेंट है, अभी थोड़ा बहुत दूध दे रही है, सॉरी 3 महीने रहे इसके, 7 महीने की हुई है, और जो दूध है वो 4 लीटर दे रही है दोनों टाइम का। दूध का रेट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है हमें, वो भी आपको बताएंगे अलग वीडियो में, क्योंकि ड्राई टाइम पे जो बाखड़ा दूध होता है काफ़ी फैट जो अच्छी आती है उसके अंदर। ये भी सीमन की है, इसे पता नहीं कौन से सीमन की है, हमने गांव के डॉक्टर से जो है सीमन रखवाया था, और काफ़ी अच्छी जो माँ से ज़्यादा हाइट ली है इस झोटी ने, और सींग भी छोटा है इसका। दूध जो दूसरे में आता है इसने 14 किलो दिया है, फर्स्ट टाइम इसने 12 किलो के लगभग दिया है अभी, काफ़ी अच्छी जो हाइट की लंबाई की झोटी है हमारे पास। और उसके बाद में ये जुली है, इससे पहले एक झोटी और आई थी वो हमने सेल कर दी, फिर ये भी पाँचवें नंबर की आई कटड़ी हमारी जुली है। ये गांव के बुल की है, प्राइवेट बुल था, तो भैंसों के लिए रख रखे है भाई साहब ने ज्ञापन करवाने के लिए, बंदेल झोटा बोलते हैं जिसको, उसकी ये कटड़ी भी काफ़ी अच्छी जो बनी है, ये भी हाइट लेंथ के मामले में और सिंगों की बनावट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ब्रीडिंग का। ये भी अपने माँ से जो है हाइट लेंथ में काफ़ी अच्छी जाएगी। और अभी जो सुबह नहला दुला के इस तरह डेली बांध दिया जाता है इनको, अब की बार जो कटिंग नहीं की पशुओं की, पहले पिछले साल करी थी हमने। और इसके बाद में हमने अर्जुन बुल का रिजल्ट लिया था अपने फार्म पे, वो भी कटड़ा था अभी, उसको भी हमने तैयार नहीं किया, काफ़ी कमज़ोर आया था कि ज़्यादा दूध पिलाना पड़ता उसको, लेकिन दूध थोड़ा तभी हिसाब से ही पिलाते हैं, घर भी चाहिए होता है,
ये भी हमारी जो लक्ष्मी भैंस है बीच में बंधी हुई है उसकी ये बेटी है भाई बजरंगी बुल की, ये भी थोड़ी कमज़ोर है। अब देंगे इसको खुराक अच्छी तैयार करने के लिए, लेकिन जो है ठीक ठाक है वैसे तो, नीचे से बनी हुई भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल अलग अलग जो थोड़ा क्वालिटी होनी चाहिए, ब्रीड के ऊपर काम करना चाहिए, ज़्यादा तगड़ा पशु होना या कमज़ोर होना वो कोई बात नहीं, थोड़ी उसमें भी ये थोड़ी लेट गैप बन होगी, लेकिन दूध की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए पशु के अंदर, तभी वो एक ब्रीडिंग होती है। अभी पशु कमज़ोर होना अच्छी होना यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह भी इससे भी अच्छी निकली है, ये उसी सरस्वती भैंस की है और अचलडी भी किसी मन की है, ये काफ़ी जो प्योर मुरा के अंदर लगती है, इसके चेहरा फेस देख करके भी पूँछ वगैरह से लग रही है कुछ अलग जाएगी। पीठ की क्वालिटी बिल्कुल खड़ी पीठ की है अभी, ये भी थोड़ी कमज़ोर है। अब जो करेंगे इसकी साम संभाल, फ्री हुई है खेत वगैरह काम से और इनके लिए अलग दाना चारा बनाने की कोशिश करेंगे और सूखा ही तुड़ी के अंदर, तुड़ी को भिगो करके इसके अंदर सूखा ही मिलाने की कोशिश करके इनको खिलाएंगे या भिगो करके देंगे भाई। तो ये था भाई अपना पशुधन की डिटेल, और अब की बार जोली जो गैप बना वो भी सरकारी सीमन से तो नहीं रही है, लेकिन उसके बाद में झोटे से इसको जो गैप बिन करवा रखा है, और जो हमारी लक्ष्मी भैंस है ये भी HLDP के सीमन से गैप बिन है, और ये भी सरस्वती है ये भी HLDP के सीमन से ही है। ज़्यादा पैसा हम नहीं लगाएंगे ब्रीडिंग के ऊपर, काफ़ी मेहनत लगती है और सालों बीत जाते हैं तब जाके एक पशुधन तैयार होता है, हमें दूध भी बेचना है और अपना काम चलाना है, तो इसलिए हमें जो सरकारी सीमन है वो यूज़ करेंगे, 30 रुपये का जो सीमन मिलता है, और प्राइवेट बुलों का जो 700 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये तक जो है लेते हैं भाई, तो उसमें जो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आपको, कम पैसे वाले सीमन में भी जो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे भी नहीं तैयार करें अपने फार्म पर। अगर 5-7 जगटड़ियाँ आई हुई है तो उसमें से आप एक या दो ही बच्चे तैयार करें, ताकि आपकी जेब में 2 पैसे बचें और बच्चे भी अच्छे तैयार हों। ज़्यादा बच्चे तैयार करोगे तो आपकी आमदनी कम हो जाएगी, क्योंकि साथ साथ ये भी बड़े होंगे तो फिर इनका खर्चा बढ़ेगा भाई। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ जो हमारी कमी भी इस फार्म पे वो भी सुधारेंगे आगे आगे। ये अपना जो बाहर से इधर बना हुआ है ये अपने विचार चोट भिगोने की बाल्टी, दूध निकालने की पानी की होती, और इधर पे ये बिठाने हैं। हमने पशु जो काफ़ी अच्छे किए थे पहले, लेकिन ज़्यादा पशु में अच्छी शाम संभाल नहीं होती, थोड़ा कम कर दिए अब की बार। ये भी चाट दाना जो आप पका करके देते हैं, और ये अपना वितुड़ी का स्टोर है, इधर ही हरा चारा काटने की साफ कटरा है वो इसके नीचे दबा हुआ है, यहीं पे जो अपना हरा चारा का सिस्टम है काटने का, और एक तुड़ी का स्टोर ये भी। अभी जो हरा चारा नहीं है तब होगा, तभी अपना खाली हो जाएगा। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको कैसी जानकारी की वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बताते रहें। वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का धन्यवाद, और आप जो हमारे चैनल पे बने रहे काफ़ी अच्छे जो पशुपालक हैं उनसे आपको जो है मिलवाते रहेंगे।